हेलो एवरीवन, जय राम हो। तो आज का मेरा राखी स्पेशल ब्लॉग है। राखी मतलब आज का दिन है 30 अगस्त 2023। टुडे इज रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन के लिए ये रहा मेरे सारे भाइयों के लिए राखियाँ और मिठाइयाँ। तो सुबह मैं उठकर नहा धो के रेडी हो गई हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने जो रक्षक हैं उन लोगों को राखी बांध लेती हूँ। जो विघ्नहर्ता है गणेश जी, सबसे पहले उसे राखी बांध लेते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं हनुमान जी, जो हमेशा से रक्षा करते हैं। तो रक्षा करते हैं इसलिए हम इस देवता को भी राखी पहनाएंगे। तो दूसरे नंबर पर मैं हनुमान जी को राखी बांधती हूँ। उसके बाद आते हैं हमारे प्यारे महाकाल, जिनको सदैव हम पूजते हैं। तो इनसे भी हम रक्षा का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद रात 9 बजे, क्योंकि आज सुबह का मुहूर्त नहीं था, रात को 9 बजे के बाद मुहूर्त था, तो हम सभी रात को रक्षाबंधन मनाए। मेरी भाभी अपने मायके नहीं गई थी, तो उनके दोनों भाई यहीं आए थे राखी बांधवाने के लिए। तो सबसे पहले भाभी अपने भैया लोग को राखी बांध रही है, क्योंकि रात का समय था और उन लोगों को घर भी जाना था, इसलिए पहले उनको राखी बांध रही है। उसके बाद मैं अपने सारे भाइयों को राखी बांधूंगी। तो आज के दिन सुबह 10 बजे तक तो राखी बांध सकते थे, पर मुहूर्त तो रात को ही था, इसलिए मैं रात को बांध रही हूँ, क्योंकि मैं राखी के दिन यही हूँ अपने मायके में, इसलिए मैं रात को राखी मनाऊंगी। शुभ मुहूर्त में भैया लोगों को राखी बांधूंगी और रक्षा के लिए आशीर्वाद लूंगी। तो ये देख सकते हो, सबसे पहले भाभी अपने दोनों भाइयों को राखी बांध रही है और इधर सब बैठे हैं, भैया भी वेट कर रहा है। रात का समय, सबका चेहरा देख सकते हो, और देखो दीदी लोग भी आ चुके हैं राखी बांधने के लिए सभी। तो सब कोई हम राखी मनाएंगे रात। अभी मुझे लेट हो गया था, इसलिए अभी राखी बांध रही हूँ मैं। और रौनक भी बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए सबसे पहले मैं रौनक को उसकी दीदी लोग जो भेजे थे राखी, उसे ही बांध देती हूँ, ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए। सबसे फर्स्ट राखी विंध्या दीदी की तरफ से है रौनक के लिए। तो मैं इस डोरेमोन वाला राखी को सबसे पहले टोसू को बांध देती हूँ। उसके बाद मैं एक और राखी खरीदी हूँ, जो मैं अपने बेटे को बांधूंगी अपनी ओर से, इसलिए ये माओ बिल्ली वाला है। टोसू को बहुत पसंद है माओ बिल्ली, इसलिए माओ बिल्ली वाला एक राखी है जो मैं टोसू को बांध देती हूँ। क्या करूँ, कभी कभी टोसू बहुत परेशान करता है, इसलिए टोसू को पहले राखी बांध रही हूँ। इतना रात हो गया है, फिर भी भैया लोग वेट कर रहे हैं। और ये देखो, टोसू की दीदी की तरफ से ये चॉकलेट और ये भीम वाला राखी आया है। मेरी ननंद की जो बेटी है ना पीहू, उसकी तरफ से ये राखी आया है, तो मैं इसको भी टोसू को पहना देती हूँ। मेरी लाइफ में पहली बार मैं रात को रक्षाबंधन मना रही हूँ। अच्छा तो लगा, पर रात को बनाई और इतना रात हो गया था कि जल्दी जल्दी हड़बड़ी में उतना अच्छे से मैं नहीं मना पाई रक्षाबंधन। और टोसू भी परेशान कर रहा था, इसलिए देखो मैं टोसू को गोदी करके अपने भैया को राखी बांधती हूँ। सबसे ज़्यादा बुरा तो मुझे ये लगा कि मैं अकेली हो गई हूँ। मेरी दोनों बहन है जो आए नहीं रक्षाबंधन में, और मुझे दोनों बहन की तरफ से, मतलब तीनों बहन का राखी अकेले ही बांधना पड़ रहा है। और ऊपर से मेरे को परेशान करने के लिए मेरा बेटा है, जो कि मुझे बहुत परेशान कर रहा था, और भैया लोग भी वेट कर रहे थे फिर भी, क्योंकि मैं अकेली ही थी सबको राखी बांधने के लिए, इसलिए। तो देख सकते हो, सबसे पहले मैं अपने भैया को राखी बांध रही हूँ, उसके बाद भाभी को राखी बांधूंगी, उसके बाद जो दीदी लोग आए हैं राखी बांधने के लिए इतने रात को, वो लोग वेट कर रहे हैं, उन लोग राखी बांधेंगे। तो इस तरह से हमारा रक्षाबंधन मना रहे हैं। टोसू ना जब परेशान करता है तो मेरे अलावा किसी के पास नहीं जाता है, इस वजह से मुझे और ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं तो अपना रक्षाबंधन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग अगर कमेंट करना चाहो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को इस साल का रक्षाबंधन कैसा लगा। आप लोग सुबह रक्षाबंधन मनाएं या फिर शाम को रक्षाबंधन, मतलब रात को रक्षाबंधन मनाए हो, इस साल कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, एक बात और है, मैं अपने लाइफ में ऐसा कोई रक्षाबंधन नहीं जिसमें मैं खुद अपने भैया को राखी नहीं बांधी होंगी, तो इस बात का मुझे बहुत खुशी है। पर मैं भैया के साथ साथ भाभी को भी राखी बांधती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोनों को साथ में बैठा के राखी बांधना और दोनों का आशीर्वाद लेना। तो
तो रक्षाबंधन का दिन मुझे इसी वजह से बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हो मस्ती कर रहे हैं भाभी के साथ। तो हो गया, मैं अपने प्यारे भैया को भाभी को राखी बांध ली। उसके बाद जो दीदी लोग आए थे वो लोग राखी बांध रहे हैं और मुझे भाभी अपने तरफ से बहुत सुंदर सा तोहफा दी। और उसके बाद ये दोनों मेरे भतीजे हैं जो कि मैं इन दोनों को भी राखी बांधती हूँ। इन लोग दोनों मुँह फुला के बैठ गए थे हम लोग को कब बांधोगी करके। एक तो रात भी हो गया था और बेचारे लोगों को राखी भी नहीं बंधा हुआ था, तो उन लोग मुँह फुला के बैठे हुए थे, इसलिए उन लोगों को मैं अलग से बैठा ली जल्दी से। इन लोगों को पहले राखी बांध लेती हूँ। भीम वाला राखी लाई हूँ मैं इन लोगों के लिए। और हाँ, दोनों भाइयों के लिए विंध्या भी राखी भेजी थी, तो वो राखी भी मैं इन दोनों भाइयों को पहना दूंगी। राखी पहना रही हूँ तो देखो रूबल कितना खुश हो रहा है। और राखी इस तरह से मैं देखो कितना जल्दी जल्दी पहना रही हूँ, क्योंकि मेरे को और भाइयों लोग मेरा वेट कर रहे हैं, बड़े पापा के बेटे लोग वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं, इसकी वजह से मुझे जल्दी जल्दी राखी पहनाना पड़ रहा है। और उसके बाद मैं जाऊँगी बड़े भैया लोगों के घर। रात भी काफ़ी हो गया है, मैं 10 बजे के आसपास राखी बांधना स्टार्ट की, इधर उधर करते करते लेट हो गया था, तैयारियाँ भी नहीं हुई थी और रोसू परेशान कर रही थी इस वजह से। और रूबल को देखो मुझे ऐसा बांधो करके बहुत ही बोल जा रहा है। और इसको एक नहीं दो नहीं तीन राखी पहनना था, स्कूल में दिखाना था कि मेरे को इतना सारा राखी पहनाया गया है करके, इस वजह से ये एक्स्ट्रा राखी बांधने के लिए बोला, तो मैं इसको एक्स्ट्रा राखी बांधी हूँ। और दोनों भाइयों को देखो रूबल का राखी। और ये आ गया है रौनक फिर से मेरे पास। अब दोनों थोड़ा खुश हुए हैं तो दोनों को मुंह मीठा करा देते हैं। उसके बाद रौनक को खिलाना चाह रही हूँ लेकिन उसको खाना नहीं था, तो देखो दोनों मेरा पैर छू रहा है तो आशीर्वाद दे देते हैं। उसके बाद मैं चलती हूँ अपने पापा के पास। पापा का राखी, मैं अपने पापा को भी राखी बांधती हूँ, मेरा पिछला ब्लॉग में तो देखे ही होंगे। तो इस साल मम्मी नहीं है, नहीं तो मैं मम्मी को भी साथ में राखी बांधती थी। मिसिंग तो है कोई नहीं, तो पापा को मैं राखी बांध देती हूँ। और हाँ, पापा की जो दो बहनें हैं वो लोग के तरफ से भी राखी भेजे थे, तो वो लोगों को उसको भी मैं राखी पापा को पहना देती हूँ। पिछले बार रौनक के बर्थडे के दिन ही रक्षाबंधन था और सुबह हम लोग रक्षाबंधन मना के रात को रौनक का बर्थडे मनाए थे। इस बार रौनक का बर्थडे पहले मना लिए, अब रक्षाबंधन मना रहे हैं लेकिन रात को मना रहे। और ये तीन देख सकते हो राखी मैं पापा को पहना दी। और ये फूल पापा रौनक को चढ़ा रहे हैं, वो देखा जा रहा था कि कर क्या रही है मम्मा करके। और पापा को मुँह मीठा कराने के बाद रूबल और ये रौनक भी थोड़ा सा मीठा कर लिया। और पीछे में छिपी हुई कैमरामैन है, उसका भी मुंह मीठा करा देते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और ये मुझे पापा पूरे घर की तरफ से, मतलब सभी की तरफ से तोहफा मिला है मुझे, बहुत ही सुंदर सा, मैं बहुत खुश हो गई देखकर। उसके बाद मैं अपने नाना जी को भी राखी पहनाऊंगी। तो मेरे नाना जी की बहन तो थे लेकिन अभी वो नहीं रहे इस वजह से, और मैं पहले से ही मतलब हर साल अपने नाना को राखी बांधती हूँ, इसलिए मैं इस साल भी नाना जी को राखी बांध रही हूँ। और एक नहीं दो राखी बांधूंगी मैं। नाना को लगभग 100 बरस तो हो गए हैं पर फिर भी बहुत अच्छे हैं, देख सकते हो अपना काम हर चीज़ खुद कर लेते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है उनको। और नाना जी को मैं दोनों राखी बांध ली, उसके बाद उनको मीठा करा देती हूँ। और देखो रौनक को कैसे देख रहा है और आशीर्वाद ले लेते हैं। उसके बाद हो गया, चलो अब चलते हैं हम बड़े भैया के घर। बड़े भैया लोगों के घर आ गए तो देख सकते हो यहाँ पर मेरे जितने भतीजे हैं सब लोग बैठे हुए हाय कर रहे हैं, देख सकते हो हेलो हेलो कर रहे हैं। ये सारे मेरे भतीजे हैं और एक इलौती मेरी एक भतीजी है जो सभी को लाइन से बैठा कर राखी पहना रही है, गुनगुन के सारे भाई हैं। और एक सारे भाइयों की बहन है जो देख सकते हो ये रूबल और रूपांशु की तरफ से उसको तोहफा मिल रहा है। और उसके बाद जो विंध्या के तरफ से राखी आया था उसके भाई के लिए, तो विंध्या के तरफ से जो राखी था वो मैं खुद पहना दे रही हूँ। तो रूबल और रौनक
सॉरी रुबल रौनक और रूपांशु तीनों को राखी तो पहना दी थी और ये तीन बच गए थे दुलंदर, उन लोगों को भी राखी पहना देती हूँ। तो देख सकते हो हमारे तीन दुलंदर जो बड़े बड़े हैं भैया लोग, इन लोगों को भी राखी पहना देती हूँ मैं विंध्या की तरफ से। और बहुत ही जल्दी जल्दी में था इस वजह से इन लोगों का मैं आरती वगैरह तो नहीं की, बस राखी पहना कर मिठाई खिला दे रही हूँ। बहुत जल्दी में हूँ, क्या करूँ, अभी और दो भैया बच्चे हैं जिन लोग दो तीन तीन भैया बच्चे हैं जिन तीनों को राखी बांधना था। और ये देख सकते हो तीनों को मैं राखी पहना के मिठाई खिला और बोल रही हूँ पैर छुओ मेरा। और इसको देखो, पहली बार तो पैर छुआ लेकिन कोई बात नहीं, पैर देना ही पड़ा। तो और अक्षय अनिकेत की तरफ से और अविनाश की तरफ से, मतलब सभी भाई लोग अपनी बहन को तोहफा दे रहे हैं और फोटो क्लिक करवा रहे हैं, देख सकते हो। उसके बाद मैं अपने भैया लोगों को राखी बांधूंगी। इस साल मैं सबसे छोटे भैया से स्टार्ट करके बड़े भैया को राखी बांधूंगी। तो देख सकते हो मैं अपने भैया के बाद में नरेंद्र भैया को राखी बांध रही हूँ जो मेरे भैया से बड़े हैं, और नरेंद्र भैया और गुड़िया भाभी दोनों को राखी बांध देती हूँ। उसके बाद इनसे जो बड़े हैं नानू भैया उनको राखी बांधूंगी। उसके बाद जो उनसे भी बड़े हैं हिंदेश भैया उनको राखी बांधूंगी। राखी तो बांध रही हूँ पर इतना हड़बड़ी में मैं राखी पहना रही हूँ, मतलब घर के सारे लोगों का राखी पहनाना मुझे बहुत ज़रूरी था और सबको बांधने के साथ साथ में रौनक को भी देखना था, और इतना जल्दी जल्दी में इतना रात को राखी बांधना, बाप रे। रौनक को मैं अपने पापा को बोलती हूँ उसको देखना सुला देना करके, और मैं इधर आ गई हूँ राखी बांधने के लिए। और इस तरह से मैं नरेन भी और गुड़िया भाभी को राखी पहना रही हूँ। उसके बाद और सारे भाई लोग जो है ना उधर भतीजा लोग देख सकते हो फ़ोटो खिंचवाने के लिए अभी वेट कर रहे हैं। मैं राखी बांध लूँगी उसके बाद वो लोग फ़ोटो वोटो क्लिक करवाएंगे। और मैं इधर हो गया, मैं मुँह मीठा कराती हूँ, ये मेरी बड़ी माँ है, और सबको मैं राखी पहनाने के बाद आशीर्वाद देती हूँ। इस तरह से मैं आशीर्वाद ले लेती हूँ और ये देखो मेरे को किसी की, और ये मुझे मिल गया शगुन, राखी का शगुन। और ये देखो इन लोग पिक्चर क्लिक करवाने के लिए रेडी हो गए हैं। मैं चली गई और बड़े भैया के पास, नानू भैया के पास आ गई हूँ। उसके बाद मैं इन दोनों को राखी पहना रही हूँ, देख सकते हो इन लोग मेरा बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, सब लोग राखी पहना के चले गए थे, मैं बची हुई थी इस वजह से, और नानू भैया बहुत टाइम से वेट मेरा किए हैं इस बार। तो देख सकते हो रात बहुत हो गई थी, लगभग 11:30 के आसपास हो गया है, मैं पहना रही हूँ राखी तो अकेले ही घूम घूम कर राखी पहना रही हूँ सभी को। और देख सकते हो तीनों बहन का तीन तीन राखी सभी भैया और भाभी लोगों को पहना रही हूँ, तो लेट तो काफ़ी हो गई ना। और रात का समय है राखी बांधने के लिए, तो मेरा तो हालत ही ख़राब हो गया था इधर उधर करते करते, और बहुत हड़बड़ में मैं सबको राखी पहना रही हूँ, तो सबको परेशानी भी हो रही है। और देख सकते हो इतना जल्दी जल्दी पहनाना पड़ रहा है। उसके बाद मैं जाऊंगी सबसे बड़े भैया के पास, वो लोग भी वेट कर रहे हैं। और ये देख सकते हो मतलब इतना जल्दी जल्दी में ना राखी पहनाना पड़ रहा है, पहली बार ऐसा रक्षाबंधन मैं मना रही हूँ। देख सकते हो आशीर्वाद लेने के बाद भी इधर फोटो भी क्लिक हो गया। और ये देखो लास्ट में आ गई मैं सबसे बड़े भैया के पास, और भाभी भारी खुश है। और देख सकते हो भैया को नींद आ रही है, किस तरह से मुंह लटकाए बैठे हुए हैं। और देख सकते हो इस तरह से मैं राखी मना रही हूँ अपना रक्षाबंधन जो बहुत ही जल्दी जल्दी में हुआ है। और यहाँ जब मैं आई राखी पहनाने के लिए तो 12 बज चुका था राखी पहनाने का समय। मैं तो ना सब मतलब इतना टाइम सब सो जाते हैं, लेकिन सबको जगा के रखी थी मैं, क्योंकि सब लोग मुझे, सबसे छोटी बहन हूँ तो सब लोग मुझे बहुत प्यार भी करते हैं, तो सब लोग मेरे लिए वेट तो करेंगे ही ना। तो देख सकते हो भैया भाभी को मैं राखी पहना रही हूँ। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट तो आप लोग करते हो नहीं, लेकिन कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और अभी रौनक तो यहाँ पास नहीं है क्योंकि उसको मैं सुला कर आई हूँ, क्योंकि बीच में खिलाने गई थी, देख सकते हो। माँ भी नहीं भी है, ये तोशु के पास डोरेमोन भी है।
भी है। माँ बिल्ली भी है और भीम भी है। भीम कहाँ है? भीम नहीं है। और देखो तो उधर देखो, चलो राखी दिखा दो। और बस इतना ही नहीं है, उस दिन बहुत रात हो गया था, सोते टाइम ही 2 बज गया था, इसलिए मैं दूसरा दिन चले गई अंशु को राखी बांधने। ये मेरा गिया भाई है जो मेरे से छोटा है, और रहने को तो मेरे से छोटा है पर नेंग देने में सबसे आगे रहता है। तो ये मेरा छोटा भाई जिसको मैं राखी बांधती हूँ, और मैं यहाँ आ गई हूँ अंशु को राखी बांधने के लिए। देख सकते हो इसको मैं मना कर रही फिर भी ये पकड़ा दिया नहीं। तो ये रहा मेरा राखी स्पेशल डे। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कुछ मेरे खास ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं जो रक्षाबंधन का। तो ये इस तरह से मेरा बहुत ही अच्छा खूबसूरत राखी, मिठाइयाँ और गिफ्ट्स के साथ बहुत ही प्यार भरा, खुशियों भरा त्यौहार मेरा। तो तब तक के लिए अब बाय, गुड नाइट।